कितने साल हो गए यहाँ पर आते हुए मेले में? यहाँ तो पहले के टाइम में यहाँ पर मेला 1 महीने के समथिंग भरता था, अभी कम क्यों? स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो के अंदर। और साथियों, आज हम परबतसर पशु मेले में आए हुए हैं और इस वीडियो में आपको परबतसर पशु मेला देखने को मिलेगा, जो कि साथियों आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे पशु आपको देखने को मिलेंगे और जो मेला है काफ़ी धूमधाम से यहाँ पर भर रहा है। उस साइड में देखेंगे तो यहाँ पर चारों तरफ आपको पशु ही पशु देखने को मिलेंगे और गाड़ियों में यहाँ पर लोड कर कर के और पशुओं को बाहर लेकर के जाया जाता है। और यहाँ पर आपको बता दें कि साथियों जो नागौरी नस्ल के बैल हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं, गोवंश यहाँ पर हज़ारों की संख्या में आप देख सकते हैं मेले के अंदर। और अभी हम चलेंगे और यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें भी दिखाएंगे और जो बैलों के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो काफ़ी नॉलेजफुल और इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों, बहुत सारे बाहर के व्यक्ति भी आए हुए हैं और गोवंश यहाँ पर हज़ारों की संख्या में आप देखेंगे कि लोग यहाँ पर खाना खा रहे हैं और मेला किस प्रकार से जो भर रहा है वो आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो हम बात करते हैं, यहाँ पर हमारे साथ में एक ताऊ जी भी हैं, तो इनसे हम बात करेंगे। कहाँ से आए हो आप? MP से। क्या नाम आपका? रमेश। तो जो मेले के अंदर किस प्रकार की जो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर किस प्रकार का मेला भर रहा है? बहुत अच्छा भर रहा है। तो मेला क्या अंतिम दिन है क्या मेले के अभी? हाँ, ये आखिरी 1-2 दिन है बस। 1-2 दिन आखिरी मेले के हैं तो पहले अच्छा आज ही सब गाड़ी घोड़े निकल जाएंगे फिर कम रहे। बहुत 2 दिन अव्वल बहुत भारी जमा था, बहुत पब्लिक थी। तो पहले के टाइम में यहाँ पर मेला 1 महीने के समथिंग भरता था, अभी कम क्यों? अब ये अब इधर वाले लोगों को मालूम, हम तो MP के हैं। अच्छा, ये राजस्थान वालों को मालूम है। तो आपने क्या क्या खरीदा है यहाँ? हमने बच्चे खरीदे। कितने तक के बच्चे खरीदे? 4,000, 5,000, 6,000, 10,000 तक। तो अभी इन बच्चों को आप कहाँ पे लेंगे? ये बच्चे MP में जाएंगे हल में जोतने के लिए। अच्छा, तो हल में लगाते हुए? हाँ, हल में सब क्वालिटी का, ऐसा आड़ा टेढ़ा नहीं लिया, साबुत बच्चे। अच्छा, चतरे अच्छे वाले बच्चे। अच्छा, लिए। तो ये कौन कौन सी नस्ल के बच्चे आते हैं? नागौरी नस्ल, मालवी नस्ल। अच्छा, बस 2 नस्ल लेते हमारे देश और की, बाकी दूसरे को क्या मालूम। सही बात। तो अभी जैसे गोवंश से अलावा भी कोई जैसे घोड़े वगैरह यहाँ पर आए थे? ऊँट घोड़े बहुत मजे के आए थे, हिले आए थे पहाड़े। तो आप नहीं खरीदते? आप नहीं, हम तो बच्चे खरीदते हैं, सब देश और के अलग अलग तरीके से खरीदने वाले आ गए थे। कोई पहाड़ा वाला पहाड़ा लिया, हिले वाला हिला लिया, ऊँट वाला ऊँट ले। तो आपने कितना खरीदा है? हमने खरीदा 10 बच्चे। तो जैसे जो मेला है वो पहले की तरह ही भर रहा था भव्य, या फिर कुछ ऐसे फिर बदला? अब कम लगा। अच्छा, कम लगा, मेला कम भरा। कम भरा और हर साल दिन ब दिन कम ही होता जा रहा है। कम ही होता जा रहा है। और गोवंश भी बहुत कम मात्रा में भी आते हैं। हाँ, कम मात्रा में, कम आए। पहले के टाइम में बहुत ही प्रसिद्ध मेला हुआ करता था, जगह नहीं समाती थी। आप कितने साल से आ रहे हैं मेले में? कम से कम 10-15 साल हो गए। 10-15 साल से? तो आपको जैसे दिन ब दिन हर साल आपको कम नजर आता है? कम नजर आ रहा है। और इस साल तो और पानी के वजह से व्यापारी भी चले गए। अच्छा, पानी नहीं था यहाँ? पानी की पानी है, कम व्यवस्था क्या, व्यापार आगे भी देख लेता आदमी अपने अपने देश और के हिसाब से। तो अभी आप जैसे कि और कितने दिन रहने वाले हैं? अभी आज जा ही रहे हम तो। आज ही जा रहे? गाड़ी वाड़े लोड कर लिए। कितने बंदे आए हुए? MP के थे, कम से कम 50-60 बंदे थे। जैसे कि बाहर से आने वाले व्यक्तियों के लिए क्या क्या व्यवस्था है यहाँ के सरकार की? सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था करी, रात बेरात चोर चुच्चे को नहीं आन दिया, पानी की व्यवस्था कर दी। अच्छा, पुलिस वाले भी थे क्या? पुलिस वाले भी थे, गौरक्षे वाले भी थे। अच्छा, सब लोगों ने रक्ष करा। तो जैसे यहाँ पे गोवंश थे तो इनके जैसे ऊँची से ऊँची बोली कितने तक लगी होगी आप जैसे यहाँ पर थे मेले में? 20,000, 21,000, वो 21,000 रुपये का बच्चे बंदा वहाँ पे, वो 21,000 का है? हाँ, 21,000। अच्छा, और बाकी जैसे जैसे फिर अलग अपने अपने इलाके, हमारे MP का 21,000 तक का बच्चे लिया, 5,000 से लगा के। अच्छा, 5,000 से लेकर के और 21,000 तक के बच्चे यहाँ पर वो लिया हमने, वो सामने मीडिया में डालो उसे। अच्छा, उसको उसे। और हमें रास्ते में फिर तकलीफ आती है, देखो तुम बताओ हम भी माल कैसे ले रहे हैं। तो साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इन काका ने भी बताया कि यहाँ पर ये पशु खरीद खरीद करके और अब ये वापस गांव की तरफ जा रहे हैं। तो
तो जैसे ये बड़े हो जाते हैं उस टाइम में हल में चलते हैं, न्यूज में चलते हैं हमारे इधर भी। अभी 5,000 का बच्चे लिया, 3 साल के बाद में ये बच्चे 20-25,000 का बिकता है। आपकी तरफ? हमारी तरफ। अच्छा, खेतों में यूज करते हो? खेतों में पूरा, मतलब जरा भी कोई एबला माल नहीं ले। हम तो साबुत सफेद कलर का बच्चे ले, नागुरी बच्चे 10,000-15,000 का भी ले। तो यहाँ पर जैसे खाने वगैरह की व्यवस्था क्या आप खुद बनाते हो या फिर? हाथ से बना खाए, होटल में खाए बस, बाकी तो कहीं। तो साथियों की चलिए और आगे चलते हैं, और यहाँ पर आप बहुत सारी गाड़ियाँ देख सकते हैं। किसी को मिला भी नहीं क्या, किसके पास साधन नहीं बर्तन बनाने, तो ऐसा भी रह गया। सही बात है। तो साथियों जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं कि जो यहाँ पर हजारों की संख्या में गोवंश अभी भी यहाँ पर मौजूद है, मेला समाप्त होने की कगार पर है। और इस साइड में आप देखेंगे कि बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं, जिनके माध्यम से साथियों इनको बाहर से लोग आते हैं और ख़रीद करके, और अपने खेतों में किसान इन बैलों को यूज करते हैं। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं बहुत सारे बैल हैं, और बहुत ही अच्छे अच्छे बैल यहाँ पर आ रहे हैं जैसा कि आप देख रहे हैं उस साइड में, और काफ़ी इनमें अच्छा भी दृश्य आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। मेला बहुत ही सुंदर भर रहा है यहाँ पर। और उस साइड में अभी काका ने बताया कि जो 21,000 का बैल इन्होंने ख़रीदा था, और यहाँ पर इस मेले के अंदर पानी की व्यवस्था इस जगह पे की गई है, जो कि अभी हम आपको दिखाएंगे कि इस कुंड में पानी अभी फ़िलहाल कितना है, और किस प्रकार से जो पानी की व्यवस्थाएं हैं वो मेले के अंदर की गई थी। और अभी आप देख पा रहे हैं कि दिन ब दिन यह जो मेला है वो अभी कमज़ोर पड़ता जा रहा है। हर साल जो पहले की तरह जो मेला भरता था वो अभी नहीं भर रहा है, और मेले के अंदर जो पानी की व्यवस्था है वो इस प्रकार की जो कुंड है उनमें पीने के लिए पानी, जो पशुओं के लिए नहाने धोने के लिए इस प्रकार के कुंडों में यहाँ पर पानी की व्यवस्थाएं की गई थी। और साथियों इस तरफ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बाहर के बहुत ज़्यादा ट्रक अभी आए हुए हैं, उनमें लोड करके और पशुओं को अपने गाँव के ओर प्रस्थान अभी कर रहे हैं। और चलिए उस साइड में चलेंगे और वहाँ पर भी देखेंगे। साथियों अभी हम दूसरे साइड में आ चुके हैं, और यहाँ पर भी आप देख पाएंगे कि बहुत सारे गोवंश यहाँ पर हैं, और जो नागौरी नस्ल के जो बैल हैं वो यहाँ पर अधिक मात्रा में आपको देखने को मिलेंगे। और कुछ व्यापारी इस साइड में भी बैठे हुए हैं, जिनसे हम यहाँ की जो जानकारी है वो लेंगे कि किस प्रकार से जो मेला है वो सम्पन्न हुआ, और आखिरी दिनों में जो मेला है वो चल रहा है। नमस्कार जी, कहाँ से आए आप? हम रोज रोज आए। तो जैसे कि अभी कौन कौन से गोवंश खरीदे हैं आपने? हमने खरीदे नहीं, बेचने के लिए आए। बेचने के लिए आए हैं, कितने गोवंश लेके आए थे? 4। तो बिक चुके हैं अभी आप? चार लोग ले आए थे, 4 ले आए, बेच दिया आपने। अच्छा, तो जैसे मेला आपकी बार कैसा भरा है? बढ़िया भरा है। कितने दिन मेला चला है अभी? लगभग लगभग ये चलेगा 15 दिन। तो अभी मेला आगे भी चलेगा या फिर अभी समाप्त होगा? आगे चलेगा, चलेगा मेला अभी, अभी तो समाप्त है, आज से लग जाएंगे सब। तो आपको जैसे कितने साल हो गए यहाँ पर आते हुए मेले में? यहाँ पर आते होते हो गए 40 साल। हर साल आप मेले में आते हो, तो जैसे मेले के अंदर आपको हर साल गिरावट देखने को मिल रही है या अच्छा कुछ देखने को? अभी की बार अच्छा हुआ है, अभी बार अच्छा हुआ है, और सालों बीच बहुत अच्छा हुआ है। अच्छा, तो जैसे मेन मेला कब का था? 40-40 अरब का बैल भी गया, कोई 50 का भी गया, कोई 20 का भी गया। वैसे तो जैसे आप लेकर के आए थे तो वो कितने साल का बच्चे थे? हमारे ले गए थे वो बच्चे 3-3.5 साल के बच्चे। तो कितने कितने के सेल हुए आपकी बात? एक बार एक बिका 18 का, एक दिया 17 का। अच्छा, एक दिया 20 का। कौन सी नस्ल के थे आपके? नागौरी नस्ल के। नागौरी नस्ल, तो आप यहीं के हो मतलब? हाँ, राजस्थान के। हम तो जोधपुर राजस्थान में हो गया। तो जैसे कि अभी आपकी बार सरकार की तरफ से क्या क्या व्यवस्थाएं की गई थी? सरकारी का सब व्यवस्था एक परमेश्वर बना के किसान है, पानी पीने के लिए दिया। अच्छा। चारा वाले भला के लिए ले आके दे दिया। अच्छा। चारा मोल मिलता है, मेला वाले थोड़ी देते, वो पानी पानी कर दी, व्यवस्था कर दी, लाइट की व्यवस्था कर दी, ये व्यवस्था सही, और अपना अपना खर्चा खाओ। और जैसे कि जो मेला है अभी अपने पहले तो 1 महीना भरा करता था, लेकिन अभी 15 दिन का ही भरता। पहले तो भरता था, पर तो हर आदमी किसी टाइम नहीं थे, गोवंश भी बहुत कम है, कम है। लोग बाग गौशाला का माल लिया करीब करीब। अच्छा, गौशाला में पकड़ी गालते, ये गौशाला वाला बेचते हैं। अच्छा, हाँ? बेच देते हैं, बेच रहे। ये आदमी का माल गौशाला का है। अच्छा, सुधा करा दिया, छोड़ दिया, लोहरान दे दिया, लोहा ले बेच दिया। अच्छा,
तो जैसे कि अभी ये यहाँ पर सब जो गोवंश बिके हुए तो अधिकतर किस राज्य में जाएंगे, कहाँ जाएंगे? ये जाएंगे ज्यादा करके एमपी, एमपी में जाएंगे। ये पंजाब वाले तो अदंत लेते हैं, अदंत उसको जलने देते तो वो क्या करे, वो तो आके चले गए। और ये लोग आए, ये लिए बैल, कोई 20,000 का लिया, 50 का लिया है, 10 का लिया है, 5 का मिला, 2,000 का भी क्या है, जैसा जैसा उन्होंने बिकाया तो उस प्रकार से। तो साथियों जैसा कि आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से मेले का जो रुख रहा, और यहाँ पर हर साल यहाँ पर पशु मेला यहाँ पर भरता है, काफ़ी सुंदर जो पशु मेले की झलक आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो साथियों इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और फिलहाल पशु मेले की एंडिंग पॉइंट पे अभी हम खड़े हुए हैं, क्योंकि अभी जो 15 दिन का यह मेला भरा, काफ़ी धूमधाम से मेला भरा, अभी समाप्ति की ओर ही मेला है। जो सभी पशु हैं ये एमपी और पंजाब काफ़ी जगह जाएंगे जहाँ पर पानी की मात्रा ज़्यादा है, और किसान इनको यूज करेंगे अपने खेतों में, बैल छकड़े में आदि में इनको यूज करेंगे। तो कुछ इस प्रकार का पशु मेला परबस्तर आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन दबा लेना। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।